अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम यानी क्या हाल है भाई। भाई तबीयत सेहत ठीक है तुम्हारी? चलो हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। शुक्र है शुक्र है। वो भाई मुझे ये बताओ, एहतियात कर रहे हो ना? हाँ जी चाचा, काम शाम सारा घर से हो रहा है, बस बस ग्रॉसरी वगैरह करने जाते हैं और तो किसी अच्छा वजह बस से नहीं ठीक है जाते। भाई। देखो मैं तो भाई इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई ये काम भी होता रहेगा और मैं घर में भी रहूंगा, ठीक है भाई? दो तो फायदे हो गए ना भाई। मैं जितने भी लोग घर पे आए ना, मैं भी उन्हें यही मशवरा दूंगा भाई, आप कोशिश करें। जो बहुत सारे काम होते हैं घरों के रुके हुए होते हैं, वो बंदा देखे भी कौन कौन से काम करने हैं, वो सारे बंदा काम करे। अब ये देखो, ये यहाँ पे उजाड़ था, ये मैंने जो है ना, ये देख रहे हो, ये पहले ये लकड़ी लगाई सारी चारों चारों तरफ। चारों अच्छा, तरफ, और क्या हाँ भाई। भाई इसमें कील ठोके मैंने, वो घर घर वो वाले वो बुढ़े पावे भाई। भाई 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 कोरोना नहीं है, वैसे खांगा आई है, समझ आई है, परेशान नहीं होना। उसके बाद मैंने ये ईंटों की लाइन देख रहे हो, ये कैसे जा रही है, ठीक है ये सारी। और फिर इसको देखो, ये मैंने परिंदों के लिए यहाँ पे लगाया है, चिड़िया विड़िया आती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर दाना भी डालूंगा और यहाँ पे ये घोंसला बन जाएगा, क्या समझ आइए। बात है। और इसकी मैंने सफाई की है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि इसमें जो जड़ी बूटियाँ पहले से थीं, मैं उन सबको उखाड़ रहा हूँ ताकि मिट्टी हमवार हो जाए। उसके बाद फिर देखेंगे आदि और वो जो छोटा वो लंगूर है, मैं देखूंगा वो क्या चाहते हैं भाई। दरख्त तो मैंने लगाने हैं ना, वो मैंने बताया था कि एक एप्पल का और प्लम का वो मैंने लगाना। उसके बाद देखूंगा यहाँ पे कौन से फूल बूटे लगाने हैं या घास लगानी है या क्या करना है, वो फिर मैं उनसे पूछ के ना फिर मैं करूँगा। अभी मैं ये जो है ना इसको हमवार कर रहा हूँ। इसमें जो रोड़े हैं, इसमें पत्थर थे भाई, बड़े बड़े पत्थर थे, वो सारे मैं निकाल रहा हूँ और जो जड़ी बूटियां हैं उनको पट के मैं अलग कर रहा हूँ। और तुम सुनाओ, तुम क्या कर रहे हो भाई? बस अल्लाह का शुक्र है चाचा, है अल्लाह का शुक्र है चाचा, बस जॉब पे जाते हैं, बाकी घर बैठ जाते हैं, और क्या करना है अच्छा हमें। ये देखो कितनी जड़े हैं, जरा आओ ना इधर, जरा मैं तुम्हें दिखाऊं। ये देखो, तुम कहते हो क्या कर रहे हो, ये देखो, ये देखो ये कहाँ तक जड़ गई हुई है, ठीक है। ये देखो, ये निकल रही है ना, ये देखो ये देखो ये सारे। चाचा को सांप वाप तो नहीं होते इधर? और यार रहने दो यार, सांप वाप होंगे तो हमें क्या कहना है सांपों ने, समझ आइए। वो भी अल्लाह की मखलूक है। अब ये देखो, ये है ना, ये सारा, ये अब सारे निकल आएंगे ना तो ये जो जमीन है ना ये हो जाएगी हमवार। इस पे घास लगाना है, पे घास है, इस पे घास लगाना है। बताया तो है, अब वाल वाले बताऊं तुम्हें यार, एक तो तुम मुझे चिता बहुत करते हो, और मेरी बात सुनो, ये जो कोरोना है ना, अब इसका जिक्र बंद करो, समझ आइए। ये बार बार तुम मोबाइल खोल के देखते हो कि जनाब आज किस मुल्क में कितने मरीज ज़्यादा हो गए, कितनी अमवात ज़्यादा हो गई। ओए भाई इसको जहन पे सवार ना करो खुदा के लिए, समझ आइए। पर छोड़ दो, अल्लाह पे तवक्कल रखो, इंशाल्लाह हम इस मर्ज से बहुत जल्दी छुटकारा हासिल कर ऐसे ही है चाचा। मैं खुद जहनी तौर पे काफी जो है ना वो प्रेशर हो जाता था सर पे डेली देख देख के। बेटे तुम तो मुझे अब नॉर्मल लगते हो, समझ आई है। एक बात जो तुम्हारे जहन में आती है ना उसके पीछे पड़ जाते हो बस। चाचा क्या करें, ओए अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है ना, तवक्कल करो और तहमुल के साथ, समझ आइए। वो जिंदगी में इतनी मेहनत की है चाचा, ख्वाबों में कोरोना आता है, रात को सोता हूँ ऐसे लगता है सुबह उठ के कोरोना हो गया। जाहिर है, जो तुम सारा दिन जो बातें करोगे ख्वाबों में भी वही आनी है, करोना करोना। खबरदार अब तूने करोने की बात की, बस वह घर में रहो। एहतियात एहतियात भी तो जरूरी है ना। ओ यार एहतियात तो करनी है भाई, एहतियात के बाद जो अल्लाह पाक ने तुम्हें अक्ल दी है ना उसको इस्तेमाल करके जितनी भी एहतियातें हैं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हें बताने की, ये रेडियो टेलीविजन पर सारी एहतियातें बता रहे हैं, वो सारी एहतियातें करनी है,
समझ आइए, और अल्लाह पे तवक्कल करना है और मेहनत करो, अपना काम करो, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, समझ आइए इंशाल्लाह। हाँ जी, अब क्या कर रहे हो भाई, जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम करूं।